अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन वर्चुअल कैंपस। टुडे इज वेडनेसडे एंड टुडे इज योर मैथ पीरियड। जैसे कि स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का पीरियड है, तो आज हम मैथ का वर्क करेंगे। जो क्योंकि लास्ट वर्क हमने जो किया था लास्ट वाली क्लास में, वो हमारा वर्क था असेंडिंग ऑर्डर, तो आज हम उससे मिलता जुलता वर्क करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ABCD लास्ट वर्क आपको मिला था असेंडिंग ऑर्डर का। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहा जाता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी जो कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का उलट है ये। ठीक है, इसी के असेंडिंग ऑर्डर में जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम नंबर्स लिखते हैं। इस तरह डिसेंडिंग में हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटे की तरफ नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो हम अपना असेंडिंग ऑर्डर का वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्क स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि डिसेंडिंग पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर दिए, तो बड़े नंबर को हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें करने में प्रॉब्लम ना हो, हम किस तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं, वो लास्ट वाली वीडियो पे मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया था और उम्मीद है आपको वो वाला तरीका बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, जो कि आज की हमारी क्लास है, जो है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली होते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ऐसे नंबर जो कि पहले बड़े से फिर छोटे की नंबर तरफ जाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 65, 68, 94, 72। अब हमने इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन चारों में वो लिखना है, 65 बड़ा है, 68, 94 या 72। तो इनमें सबसे बड़ा जो है हमारे पास 94 है। अब 94 के बाद कौन सा आता है, मतलब इनमें जो 94 के बाद, मतलब उससे पीछे पीछे आता है, जैसे कि अब 94 हो गया, इसके बाद जो बेस्ट नंबर आ रहा है वो है 72। हमने 72 लिख दिया, तो जैसे कि देखें 68 या 65, हमने लिखा 68 एंड 65। अब देखिए, लार्जेस्ट जो स्मॉलेस्ट हो गया 94, फिर उससे जो छोटा था 72 था, 72 से जो छोटा था वो 68 था, 68 से जो छोटा था वो हमारा 65 था। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। इसको हमने अरेंज कर दिया नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए, हमारे पास सेकंड आ रहा है 104762 89 89 24 104 42 92 13। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर हमें काउंटिंग बहुत अच्छे से ना याद आती हो या इतने नंबर्स की हमें नहीं समझ आती हो, तो हम इसको सिंपल ब्रेथ प्रोसेस करेंगे कि हम नंबर्स पहले काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर्स हैं। देखिए, अब इसके बाद आने वाले सारे नंबर जो हैं वो 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो यानी यकीनन तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा हमारा यही होगा, क्योंकि ये 6 डिजिट है, 104762। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ रहा है 8924 यानी 8924, 1042, 9213। तो अब इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है, इससे जो छोटा नंबर आ रहा है वो पहले ये आ रहा है, जो कि है 9213। इसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8924, लास्ट हमारे पास आ रहा है 1042। ये नंबर भी हमने अरेंज कर दिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब लास्ट हमारे पास है 672153, और फिर है 125261521 एंड 6621। अब देखिए, हमारे पास स्टार्टिंग की कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, इसके 5 डिजिट्स हैं, इसके 4 डिजिट्स हैं और इसके 5 डिजिट्स हैं। तो हम सिर्फ कि 6 डिजिट्स वाला सबसे बड़ा नंबर होगा, तो हम लिखते हैं 672153। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कौन सा नंबर होना चाहिए इसके बाद, देखिए 125 26 भी है, 9661 भी है। ठीक है, यानी 1,25,026 होगा या 12,526 होगा। अब देखा, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमें,
कि हमें समझ में नहीं आता कि ये 1 लाख पढ़ेंगे कि 12,000 पढ़ेंगे, अब ये क्या पढ़ेंगे, 9 लाख पढ़ेंगे कि 96,000 पढ़ेंगे। तो हमको तरीका बताती हूँ, ये जो हमारे पास लिखा हुआ ये है 12,526, अब ये है 1,521, ये है 96,621। अब इसके बाद जो हमारा नंबर आ रहा है वो ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, जो कि है हमारा 96,621। फिर हम लिखेंगे ये 12,526, फिर हम लिखेंगे 1,521। ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। आज का जो हमारा वर्क था वो था डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, यानी लार्जेस्ट नंबर से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक हम जाते हैं, वो हमारा आज यहीं पर कंप्लीट हुआ है। और आपका जो होमवर्क है वो भी आपको मिला है डिसेंडिंग ऑर्डर का, 1.2 का ये वाला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ABCD, ये आपने अपनी स्कूल की कॉपी में करना है। इसके अलावा जो आपको वर्क मिला है वो PDF के थ्रू आपको सेंड कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, जो वर्क आपको समझ में नहीं आता वो आपने मुझसे पूछ लेना है, और अपना वर्क जो है बहुत अच्छे से करना है अपनी कॉपी में आपने, ताकि आपका जो वर्क वगैरह है वो अच्छे से आपके इसमें काउंट हो, ठीक है। सॉरी, जो आपका वर्क है वो अच्छे से आपकी कॉपी में मेंटेन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी क्लास आज यहीं पर ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। ऑनलाइन क्लासेस में इसमें जो है पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ऑनलाइन की तरफ अब आए हैं तो हमने बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर, और जब चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।